विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बर्हापीडं नटवरवपो कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिसं वैजयन्तीं च मानाः। रंध्राण वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृंदै वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति। यं प्रव्रजन्त मनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया दुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नमः कुञ्जविहारिणे नमः कुञ्जविहारिणे स्वामी श्रीहरिदासाय गुरुणां गुरवे नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरता ब्रज राम राम श्री राम राम रणकरकश राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम। अतुलित बल धामं हेम शैलावदेहं धनुज बल कुसानं ज्ञानिनाम अग्रगण्यं सकल गुण निधानं बाणराणां अधीशम् रघुपति प्रिय भक्तं पातु जातं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मेरी कमनी में राधे जुके दास जन्म जन्म मोहिति जियो श्री वृंदावन को वास। जय जय श्री राधा रमण जय श्री नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय मंगल चोर। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरिः। हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राम। आज हमारे प्यारे प्रभु श्री बांके बिहारी जी का प्राकट्य उत्सव है तो बड़े भाव से श्रद्धा से प्रभु को पुकारिए कि प्रभु आइए हम सब भक्त मिलकर के आपका स्वागत करने तैयार हैं आपका अभिनंदन है। अपनी कृपा सदैव आप बरसाए रखिएगा तो बिहारी जी को बुलाइए। आओ आओ मेरे गोविंद आ जाओ आओ आओ मेरे गोविंद आ जाओ
Thank you.
अखिल कोटि ब्रह्मांडादि नायक परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरणा में वांग में प्रति स्वरूप श्रीमद् भागवत जी को नमन करते हुए विराजमान पूज्य बड़े भैया जी, पूज्य ग्रामाचार्य जी, अनुज भ्राता पंडित श्याम नारायण पाठक, सभी विप्रदेवों के श्री चरणों को प्रणाम नमन करते हुए इस महायज्ञ में प्रधान यजमान के रूप में विराजमान सम्माननीय श्री हीरालाल यादव जी सपत्निक, श्री भैयाराम यादव जी सपत्निक और सम्माननीय आत्माराम कंवर जी सपत्निक और आप सभी भगवत कथानुरागी संत हृदय श्रोता बंधुओं, भक्ति में श्रद्धामयी माताओं, आप सभी प्यारे भक्तों को, बिहारी जी के सभी को सादर जय श्री कृष्ण। गंगा के पावन पवित्र तट पर आमरण अनशन में विराजमान कर्मयोगी सम्राट महाराज परीक्षित को भगवान श्री राधा कृष्ण के युगल श्री चरणों का ध्यान करते हुए सुखदेव भगवान वर्णन कर रहे हैं। कल की कथा प्रसंग में आप सभी ने परम भागवत भक्त शिरोमणि प्रहलाद जी का पावन चैत्र श्रवण किया। प्रहलाद नाम ही कितना सुंदर और सार गर्भित है भैया, जो इस केवल नाम मात्र को कोई स्मरण करता है तो उसके हृदय में प्रभु के श्री चरणों में प्रेम प्रकट हो जाता है। प्रविशेषे अहलाद्यति इति प्रहलाद, जिस परम भागवत प्रहलाद का नाम लेने से ही मन आह्लादित हो जाए, प्रभु चरणों में प्रेम भक्ति से हमारा हृदय लबालब भर जाता है, वो प्रहलाद जी महाराज है। प्रहलाद जी महाराज भक्त शिरोमणि गोस्वामी जी कहते हैं, नाम जपत प्रभु किन्ह प्रसादो, भगत शिरोमणि भी प्रहलादो। भगवान के भक्त तो अनेकों हुए लेकिन श्री भरत श्री प्रहलाद जी महाराज भक्त शिरोमणि हैं। देखिए भक्त शिरोमणियों में भरत जी का भी नाम आता है, भगवान श्री राम के अनुज भ्राता भरत जी। ये परम भागवत हैं। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीक शुक सौनक भीष्म दालभ्याम रुक्मांग गदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादिन पुण्यानिमान परम भागवतान स्मरामि। एक होता है भागवत और एक होता है महाभागवत। भागवत माने भक्त, भागवत वो है जो भगवान को याद करता है, भगवान का स्मरण करता है, और परम भागवत वह है भैया जिसका स्मरण स्वयं मेरे बांके बिहारी किया करते हैं, जिसको प्रभु स्वयं याद करते हैं। जैसे भक्तों के हाथ में माला झोली होती है ना, और एक एक दाने से प्रभु के नाम का जाप भक्त करता है, नाम मंत्र का स्मरण करता है, जाप करता है, ऐसे ही भगवान के हाथों में भी एक माला होती है।
भगवान उस माला से अपने भक्तों का नाम जाप करते हैं, जिसको भक्तमाल कहते हैं, भक्तों की माला। प्रेम से बोलो श्री राधा। भक्तों की माला भगवान बिहारी जी के हाथ में होती है और प्रभु अपने भक्तों का नाम ले लेकर के जाप करते हैं, स्मरण करते हैं अपने भक्त को। उन परम भागवतों में पहला नाम आता है श्री प्रहलाद जी का। भगत शिरोमणि भे प्रहलादो, सारा जगत राम राम जपता है। किसी ने राम जी से पूछा, कहा प्रभु आपके हाथ में भी ये माला झोली है, लेकिन आप किसका जाप करते हैं? क्या आपसे भी कोई श्रेष्ठ है, कोई महान है? तो भगवान श्री राम ने कहा कि देखो भैया, सारा जगत तो मेरा नाम जाप करता है, लेकिन मैं अपने भक्त भरत को याद करता हूं। भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेही। भरत के समान श्री राम स्नेही कौन हो सकता है? स्वयं भगवान राम जिसका स्मरण करते हैं, जब प्रयागराज में प्रभु त्रिवेणी में स्नान कर रहे थे और स्नान करने के पूर्व जब भगवान ने त्रिवेणी का जल लेकर के जब संकल्प लिया, तो देखिए जब भरद्वाज जी महाराज संकल्प करा रहे थे और संकल्प में जैसे भरत शब्द आया, भरत खंडे जम्बुद्वीपे भरत खंडे, जैसे भरत शब्द सुना तो भगवान श्री राम भरत नाम सुनते ही त्रिवेणी में गिर पड़े। देखो भगवान इतने मंत्र मुग्ध हो गए, इतने भाव में डूब गए भरत के। भरत तो राम जी का प्राण है। प्रेम से बोलो श्री राधे। भगवान सबके प्राण है, प्राण प्राण के जीव के, जीव सुख के सुख राम। प्राणों के भी प्राण है मेरे राम जी, लेकिन राम जी की भी प्राण है, भगवान के भी प्राण है श्री भरत जी महाराज। भगवान के प्राण है भक्त, जैसे भक्त अपने हृदय में भगवान को बिठाता है, ऐसे ही भगवान अपने हृदय में भक्त को बिठाते हैं, भक्त को स्मरण करते हैं। जाना मरम नहात प्रयागा, मगन हो ही तुम्हारे अनुरागा। तो देखिए भैया, भागवत वो है जो भगवान को स्मरण करता है, महाभागवत वो है जिसका स्मरण स्वयं भगवान करते हैं। एक बार श्री नारद जी महाराज, राम जी की सभा लगी हुई थी, नारद जी पहुंचे, देखा राम जी कुछ पढ़ रहे थे। नारद जी ने पूछा, कहा कि प्रभु आप क्या पढ़ रहे हैं, रजिस्टर में क्या लिखा है? तो राम जी ने कहा, भैया इसमें नारद जी मेरे भक्तों की सूची बनी हुई है, मैं उसको देख रहा हूं, भक्तों के नाम लिखे हुए हैं। नारद जी ने विचार किया, मैं भी तो भगवान का भक्त हूं, तो हो सकता है मेरा भी तो नाम होगा इसमें, तो जरा प्रभु से मैं पूछूं कि मेरा नाम कहां पर है। तो नारद जी महाराज ने प्रभु से पूछा, कहा प्रभु मैं भी तो आपका भक्त हूं, हमेशा आपका नाम लेता रहता हूं 24 घंटे, तो जरा बताइए मेरा नाम कहां पर है भक्तों की सूची में। तो भगवान राम ने कहा, भैया रजिस्टर देख लो आप।
और जैसे ही भगवान ने रजिस्टर दिया, नारद जी अपना नाम ढूंढने लगे तो देखो सबसे पहले नारद जी का नाम लिखा हुआ था, भक्त श्री नारद जी और भक्तों के नाम लिखे हुए। अब नारद जी इतने प्रसन्न हो गए कि प्रभु रजिस्टर के पत्ते पर मेरा नाम लिखे हुए हैं। अब नारद जी को अभिमान आ गया कि मैं भगवान का सबसे बड़ा भक्त हूं। और एक बार श्री नारद जी महाराज घूमते घूमते अपनी बड़ाई प्रशंसा करते करते श्री हनुमान जी महाराज के पास पहुंच गए। हनुमान जी महाराज बैठे थे, भगवान श्री राम के पावन नाम का स्मरण कर रहे थे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नारद जी ने हनुमान जी से कहा कि हनुमंत लाल, कहा कि भैया तुम भी तो राम जी के भक्त हो, तो देखो भगवान राम ने भक्तों की सूची में सबसे पहला मेरा नाम लिखे हैं और मैंने तुम्हारा नाम ढूंढा लेकिन तुम्हारा नाम नहीं मिला। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि श्री नारद जी मैं नाम का भूखा नहीं, अरे प्रभु की इच्छा है लेकिन मेरे परम आराध्य श्री राम हैं। नारद जी कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है भाई, आप इतने बड़े भक्त हो, राम राम जाप करते रहते हो प्रभु का नाम, लेकिन तुम्हारा नाम भक्तों की सूची में ना हो, ये मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा है। तो श्री हनुमान जी महाराज भी समझ गए कि लगता है नारद जी को बड़ा अभिमान हो गया कि मैं भगवान का सबसे बड़ा भक्त हूँ। तो नारद जी से कहा कि महाराज देखो, राम जी ने तो मेरे प्रभु ने आपको रजिस्टर तो दिखला दी जिसमें भक्तों की सूची बनी हुई है, लेकिन जिसके पास रजिस्टर होते हैं ना तो देखो उसके पास छोटी सी डायरी ही होती है। राम जी ने नहीं दिखाई क्या आपको डायरी? नारद जी ने कहा बात तो बिल्कुल ठीक है, राम जी ने तो मुझे डायरी नहीं दिखाई। हनुमान जी ने कहा कि देखिए आप राम जी से पूछिए। नारद जी महाराज फिर लौट करके आए, राम जी के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा कि भगवान क्या आपके पास छोटी सी डायरी भी है? भगवान राम ने कहा हाँ, उसको मैं अपने पैकेट में रखा रहता हूं। अच्छा महाराज उस डायरी में क्या लिखा हुआ है? राम जी ने कहा वो हमारी पर्सनल डायरी है, किसी को दिखाते नहीं, प्रेम से बोलो श्री राम। हम क्यों बताएं भाई कि डायरी में क्या लिखा है? नारद जी ने कहा महाराज मैं तो आपका भक्त हूँ, आपको तो बताना ही पड़ेगा, महाराज इसमें क्या लिखा है जरा बताइए। भगवान राम ने कहा कि श्री नारद जी उस डायरी के पत्ते पर भी मेरे भक्तों की सूची बनी है, भक्तों का नाम लिखा हुआ है। तो नारद जी ने कहा महाराज जरा वो डायरी दिखाइए, उसमें किन किन भक्तों का नाम लिखा हुआ है। तो भगवान राम ने जैसी डायरी दी तो नारद जी महाराज ने देखा सबसे पहले श्री हनुमान जी महाराज का नाम लिखा हुआ था, श्री हनुमंत लाल जी का। नारद जी ने कहा कि भगवान कि ये भक्तों की ये दो दो सूची बनाने की क्या जरूरत थी, चाहते तो डायरी पर ही लिख लेते, चाहे तो आप रजिस्टर के पत्ते पर लिख लेते। भगवान श्री राम ने कहा कि नारद जी आप ये समझ लीजिए, देखो मैं रजिस्टर पर उन भक्तों की सूची बनाता हूँ, नाम लिखता हूँ जो मेरा स्मरण करते हैं, जो मुझे याद करते हैं, और डायरी के पत्ते पर अपनी पर्सनल डायरी में मैं उन भक्तों का नाम लिखा हूँ जिसको मैं स्वयं स्मरण करता हूँ, मैं स्वयं याद करता हूँ। ये यथामाम प्रपद्यन्ते तां सतैव भजाम्यहम्, जो भक्त मुझे जैसा भजता है मैं उसे वैसे ही भजता हूं। तो ऐसे परम भागवत भक्त शिरोमणि श्री प्रहलाद जी महाराज, श्री भरत जी महाराज, नाम जपत प्रभु किन्न प्रसादो, भगत शिरोमणि भी प्रहलाद जी बड़े ज्ञानी भक्त हैं। देखो चार प्रकार के भक्त होते हैं, गीता में भगवान ने कहा कि मेरे चार प्रकार के भक्त होते हैं। एक भक्त होता है अर्थार्थी, प्रेम से बोलो श्री राधे, दूसरा भक्त होता है आर्थ, तीसरा भक्त होता है जिज्ञासु, चौथा भक्त होता है ज्ञानी।
राम भगत जग चार प्रकारा चारों सुकृत अनग उदारा। तो देखो भैया अर्थार्थी भक्त कौन है, जो अर्थ के लिए भगवान का भजन करता है। प्रिंसिपल श्री राम, श्री राम। हम संसारी लोग हैं, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान अर्थ प्राप्ति के लिए भगवान का खूब भजन करते हैं, ताकि सुख संपत्ति मिले। तो भैया वो अर्थार्थी भक्त है, और दूसरा भक्त है आर्त। आर्त कहते हैं जो दुखी प्राणी, जब जीवन में कोई दुख आता है ना, तब प्रभु को याद करता है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। और बात बिल्कुल सच है ना, जब हमारे जीवन में दुख आता है, कष्ट आता है, तब हम भगवान को याद करते हैं। सुख आता है तब प्रभु को भूल जाते हैं। तीसरा भक्त होता है जिज्ञासु, जो परमात्मा को जानने की चेष्टा प्रयास करता है, संतों का संग करता है, उसे जिज्ञासु भक्त कहते हैं। और चौथे प्रकार का जो भक्त है भैया, वह है ज्ञानी भक्त। ज्ञानी भक्त ये चौथे नंबर का भक्त है। किसी ने भगवान से पूछा कि प्रभु इन चार भक्तों में से आप किस भक्त को ज्यादा प्रेम करते हैं, तो भगवान ने कहा कि भैया यद्यपि मुझे ये चारों भक्त प्रिय है, क्योंकि चाहे भाव जो भी हो मेरा स्मरण तो करता है ना, तो जो मेरा स्मरण करता है, चाहे अर्थार्थी हो, आर्त हो, जिज्ञासु हो, ज्ञानी हो, सब मुझे प्रिय है। लेकिन यदि आप पूछ रहे हैं कि कौन सा भक्त मुझे प्रिय है, तो मैं तो यही कहूंगा कि इन चारों भक्तों में मुझे ज्ञानी भक्त सबसे ज्यादा प्रिय है। ज्ञानी भक्त जो सब में, जो कुत्ते चांडाल में भी, समस्त प्राणियों में जो मेरे स्वरूप का दर्शन करता है, वह ज्ञानी भक्त मुझे प्रिय है। ज्ञानी भक्त की दृष्टि में तो पूरा सारा जगत प्रभु मैं है। सिया राम मैं सब जग जानी, 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 करहु प्रणाम जत सकल राम में जानी, बंदों सबके पद कमल सदा जोर जुग पानी। ये ज्ञानी की दृष्टि है। देखो भक्त जो ज्ञानी भक्त होता है ना, वो कुत्ते में भी भगवान का रूप देख लेता है।
गधे में भी प्रभु की मूर्ति का दर्शन करता है, क्योंकि समस्त जीवों के अंदर आप रूप से मेरे बिहारी जी ही तो बैठे हैं। भगवान कहते हैं मैं सबकी आत्मा हूं, जो समस्त जीवों में जो मेरा दर्शन करता है ऐसा ज्ञानी भक्त मुझे प्रिय है। निज प्रभु मैं देखें जगत कहिसन करहि विरोध। उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मैं देखहि जगत कहिसन करहि विरोध। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गृहस्थनी सुनी चैव सुपाके च पंडिता समदर्शिना। संत नामदेव का नाम आप लोगों ने सुना होगा कि एक बार ये आश्रम में बैठ करके रोटी बना रहे थे, प्रभु का नाम स्मरण कर रहे हैं, विठल विठल विठला हरिओम विठला, प्रभु का एक नाम विठल है, भक्त गाते जा रहे हैं बिहारी जी का नाम और रोटी बना रहे हैं। देखो भैया, यदि भगवत भजन करते हुए यदि माताएं भोजन बनाए ना तो भोजन का स्वाद बढ़ जाता है। प्रेम से बोलो श्री राधे। श्री राधे। जिस भाव से भोजन बनाते ना, हाँ, वह अणु जो है उस भोजन में प्रवेश कर जाता है। यदि भगवत नाम संकीर्तन करते हुए यदि कोई भोजन बनाए तो उस भोजन को जो ग्रहण करता है ना तो फिर उसमें सात्विकता आती है, हृदय पवित्र हो जाता है, फिर वो प्रसाद बन जाता है। प्रिंस बोलो श्री राधे। इसलिए मैं कहा करता हूं कि देखो भैया, हम तो खाने में बड़े होशियार होते हैं ना, लेकिन भजन में बड़े आलसी होते हैं। प्रेम से बोलो श्री राधा। राम नाम को आलसी और खाने को होशियार। पांच बार खाते हैं लेकिन पांच मिनट के लिए भी हम भजन नहीं करते। प्रेम से बोलो श्री राधा। श्री राधा। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं जो खाने में बड़ा होशियार है और राम नाम में आलसी है, ऐसे जीव को तो बार बार धिक्कार है भैया। राम नाम को आलसी, खाने को होशियार, तुलसी ऐसे जीव को बार बार धिक्कार। इसलिए मैं कहा करता हूं कि भैया वजन मत बढ़ाओ अपने शरीर का, भजन बढ़ाओ। क्या बढ़ाओ? प्रेम से बोलो श्री राधे। श्री राधे। शरीर का वजन जितना बढ़ाओगे उतने रोगी बनोगे, इसलिए वजन ना बढ़ा करके भजन को बढ़ाओ, भजन बढ़े जीवन में तो जीवन सुंदर बनेगा। तो नामदेव संत जब रोटी बना रहे थे तो उसी समय एक काला कुत्ता आया और रोटी लेकर के भाग गया, और जैसी रोटी लेकर के भागे कुत्ता तो पीछे से नामदेव महाराज जो है घी की कटोरी जो है लेकर के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं कि हे विट्ठल हे विट्ठल हे बिहारी जी, अरे ये सूखी रोटी खाकर क्या करोगे, आइए मैं आपकी रोटी में घी चुपड़ दूं उसके बाद फिर खाइए। प्रेम से बोलो श्री राधे। उस काले कुत्ते में भी नामदेव को कृष्ण दिखाई दे रहे हैं। ये ज्ञानी की दृष्टि है। फिर क्या महाराज, कुत्ते में ही बांके बिहारी प्रकट हो गए, क्योंकि कुत्ते के अंदर भी तो वही बैठा है ना। हर दृश्य में हर जगह भक्त भगवान का ही दर्शन करता है, तो ऐसे ज्ञानी भक्त को भगवान अपने मस्तक पर धारण करते हैं मोर पंख के रूप में। जो निष्काम भक्त होता है भगवान उसको अपने मस्तक पर मोर पंख के रूप में धारण करते हैं। बरहा पीडम नट वर वपो कर्णयोः कर्णिकारम्।
मोर का जो पंख है ना, देखो ये निष्काम भक्त का प्रतीक है। ये मोर का पंख क्यों लगाते हैं बिहारी जी? क्योंकि मोर ही एक ऐसा प्राणी है जो कभी काम वासना से संतान को जन्म नहीं देता। जब काले बादल छा जाते हैं, जब वर्षा होने लगती है, तो मोर मोरनी नृत्य करते हैं, मोर के आंखों से अश्रु बहने लगता है। उस अश्रु को मोरनी ग्रहण करती है, मोरनी गर्भवती हो जाती है। काम भाव से मोर अपने बच्चे को जन्म नहीं देता, इसीलिए मेरे बिहारी जी को मोर का पंख प्रिय है, क्योंकि मोर निष्काम होता है। तो निष्काम भक्त को भगवान अपने मस्तक पर धारण करते हैं। मैं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित महाराज प्रहलाद जी महाराज ने खंभ से भगवान को प्रकट कर दिखाया। देखो ये सत्युग की घटना है, तो क्या आप भगवान खंभे में नहीं है क्या? प्रेम से बोलो श्री राधे। यदि आपसे कोई पूछे कि भैया ये खंभा है, खंभे में क्या भगवान है, तो क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे? नहीं है। तो क्या सत्युग में भगवान खंभ से प्रकट होते थे, कलयुग में नहीं हो सकते क्या? तो कमी कहां पर है? भगवान तो कड़कड़ में, जर्रे जर्रे में, खंभ में, सब में विराजमान है, लेकिन कमी है तो केवल प्रहलाद की कमी है। सूर फिरे अनेकन मांगत, पैपक सूर सुस्वाद कहां, पुनि ताल मजीरा बजाती फिरे, मीरा मतवाली सिचाह कहां। सियाराम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी जैसी मर्याद कहां। नरसिंह बसे प्रतिखंभन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहां। नरसिंह बसे प्रतिखंभन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहां। भगवान तो हर जगह बसे हुए हैं, हर वस्तु में मेरे बिहारी जी हैं, लेकिन उसको प्रकट करने वाला प्रहलाद चाहिए। प्रहलाद की कमी है। मंत्र जाप में विश्वास हो, प्रहलाद जी के जीवन में कितना कष्ट आया, लेकिन उन्होंने कभी प्रभु नाम को छोड़ा नहीं। प्रहलाद जी महाराज निरंतर प्रभु का नाम जाप करते रहे। महाराज प्रहलाद जी ने बहुत सुंदर ज्ञान दिया है, कौमारम आचरेत प्राज्ञः धर्मान भागवतानिह। भगवान की भक्ति हमको बाल्यावस्था से ही प्रारंभ करनी चाहिए। प्रेम से बोलो श्री राधे। इसी बचपने से ही अभ्यास करो, अपने बच्चों को सिखाओ, कहो कि प्रभु का एक माला रोज जाप करे। गुरु जी ने जो मंत्र दिया है उसका नित्य जाप करो। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। प्रभु के नाम को कोई हल्के में मत लेना भैया। देखो भगवान का नाम में इतना पावर है, इतनी शक्ति है, जितनी शक्ति नामी में नहीं है। प्रेम से बोलो श्री राधे। राम से बड़ा, जितनी शक्ति सामर्थ राम जी में नहीं है, उससे कहीं बड़ी शक्ति भगवान के नाम में। भगवान ने कलिकाल में देखो अपने नाम में ही अपनी पूरी शक्ति स्थापित कर दी है, इसलिए नाम से बड़े बड़े काम बन जाते हैं। जासु नाम सुमिरत एतबारा, उतरहि नर भव
इसलिए नाम को जाप करते रहो, नाम जपते रहो। मंत्र जापम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। तो श्री प्रहलाद जी महाराज ने प्रभु नाम कभी छोड़ा नहीं। प्रहलाद जी कहते हैं कि बाल्यावस्था में ही हरि नाम जाप करने का अभ्यास करना चाहिए, वृद्धावस्था की प्रतीक्षा ना करें कि जब वृद्ध होऊंगा तब मैं प्रभु का खूब भजन करूंगा, अभी तो मौका नहीं है, समय नहीं। ध्रुव और प्रहलाद जैसे भक्त जो बचपने में ही बाल काल से ही प्रभु को प्राप्त कर लिया भक्ति करके, देखो प्रभु को प्राप्त करने की कोई उम्र नहीं होती, कोई आयु की सीमा नहीं है। प्रभु को कभी भी कहीं पर भी किसी अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। भैया प्रहलाद जी महाराज ने प्रभु को खंभ से प्रकट कर दिखाया, नरहरी बनकर के प्रभु आए, हिरण्यकश्यपों का वध किया और भगवान के क्रोध को जब स्तुति करते करते कोई शांत नहीं कर पाए तो ब्रह्मा जी महाराज प्रहलाद जी को भेजा प्रभु का क्रोध शांत कराने। प्रहलादं प्रेषयामास ब्रह्मावस्थित मंतिके। प्रहलाद जी गए और देखिए भगवान नरहरि के श्री चरणों में गिर पड़े और जैसी प्रभु को प्रणाम किया त्राहिमाम कहकर, तो भगवान नरहरि के आंखों से अश्रु की धारा प्रवाहित होने लगी। परीक्षित स्वपाद मूले पतितं तमरभकं विलोक्य देवः कृपया परिप्लुतः
उत्थापित शिष्ट दधात करांबुजम् कालाहि वित्रस्त धियां कृता भयम्। भगवान नरहरि दौड़ कर गए, परीक्षित उठा करके हृदय अपने गोद पर बिठाया और अपने वरद हस्त प्रहलाद के मस्तक पर रख दिया और अपनी जिह्वा से प्रभु प्रहलाद को चाटने लगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जैसे नौ ब्याही हुई गौ अपने बछड़े को दुलार करती है, जिह्वा से चाटती है, प्रेम करती है, ऐसे ही भगवान अपने भक्त प्रहलाद को स्नेह कर रहे हैं। सपाद मोली पतितं तमरबकम्। भगवान अपना वरद हस्त उसके मस्तक पर रख दिया, ऐसा वरद हस्त जो काल के भय से मुक्त करने वाला है। फिर प्रहलाद जी महाराज ने 43 श्लोकों में भगवान की दिव्य स्तुति की है भागवत में। ब्रह्मादयः सुरगणाः मुनियोत सिद्धाः सत्वैकता नमतयो वचसां प्रवाहै नारादितुं पुरगुणैः रधुना विप्रोः किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजाते। प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु ब्रह्मादिक देवतागण आपकी धारा प्रवाह स्तुति करते करते थक गए, लेकिन आपको प्रसन्न नहीं कर पाए, तो मैं असुर कुल में उत्पन्न प्रहलाद आपको कैसे प्रसन्न कर सकता हूं। मन्नी धनाभिजन रूप तपस्तौज। प्रभु आप आयु से, विद्या से, जाति से, पुरुषार्थ से, रूप से, गुण से आप प्रसन्न नहीं होते हैं। आप प्रसन्न होते हैं तो भक्ति से होते हैं। प्रहलाद जी देखो स्तुति कर रहे भगवान नरहरि की। यदि आप आचरण से प्रसन्न होते तो व्याध का कौन सा आचरण था? यदि आयु से आप प्रसन्न होते तो ध्रुव जी की कौन सी अवस्था थी? यदि आप विद्या से प्रसन्न होते तो गजेंद्र की कौन सी अवस्था थी? यदि आप रूप से प्रसन्न होते तो कुब्जा का कौन सा रूप था? और यदि आप ऊंची जाति वालों को यदि मिलते प्रभु तो विदुर जी की कौन सी जाति थी? शूद्र जाति में जन्म लिया, दासी पुत्र बनकर विदुर जी, और विदुर जी को आप प्राप्त हो गए। विदुर जी ने आपको प्राप्त कर लिया। इससे यही सिद्ध होता है कि आप भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। व्याधस्याचरणं ध्रुवो वयो विद्या गजेन्द्रस्य का जातिर्विदुरस्य यादोपते उग्रस्य किं पौरुषम् कुब्जायाः किम नाम रूपमधिकम् किम् तत्सुदाम्नो धनम् भक्त्या तुष्यति केवलम् न च गुणैः भक्ति प्रियो माधवः। भक्ति प्रियो माधव परम मंगल। जय जय श्री राम। किशोरा से हमारे आदरणीय करके आपके लिए अभिनंदन करें। हमने परसों आपको याद किया था और आपके मन में भी पूर्व से ही जानकारी थी कि यहाँ महायज्ञ हो रहा है, सप्ताह ज्ञान यज्ञ, तो आप भगवत कथा के लिए पधारे, इसके लिए आपका अभिनंदन है। व्यासपीठ से श्री बिहारी जी सदा कल्याण करे, मंगल करे। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। भक्त्या तुष्यति केवलम् न च गुणैः भक्ति प्रियो माधवः। भगवान भक्ति से प्रिय होते हैं। प्रहलाद जी कहते हैं कि प्रभु यदि
बारह गुणों से युक्त यदि ब्राह्मण आपका भजन ना करे, आपकी भक्ति ना करे, उससे तो श्रेष्ठ वह चांडाल है जिसके हृदय में आपके चरणों के प्रति भक्ति है। विप्राद द्विषड गुणयुतादरविंद नाव पादारविंद मुखा स्वपतम वरिष्ठम। भगवान देखो जंगल के जो जानवर होते हैं वो सिंह की दहाड़ सुन करके भाग जाते हैं, लेकिन शेर का बच्चा थोड़ी भागता है महाराज। मैं तो आपका ही बेटा हूं, आपका ही पुत्र हूं। भगवान नरहरि ने कहा कि बेटा तूने मुझे अपनी भक्ति से प्रसन्न किया है, देख मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए मैं इस नरसिंह रूप में प्रकट हुआ हूं। तो श्री प्रहलाद जी महाराज कहते हैं कि प्रभु मेरे जैसा बड़भागी कोई नहीं है। ब्रह्मा आपका बेटा है, कभी अपने बेटे के सिर पर अपना हाथ नहीं रखा। भगवान शिव जी आपके पौत्र हैं, लेकिन भगवान रुद्र के मस्तक पर भी अपना हाथ नहीं रखा। लेकिन मैं कितना बड़ा बड़भागी हूं, अपने पुत्र को अपने पौत्र को भी गोद पर नहीं बिठाया, लेकिन मुझ जैसे अधम निशाचर जाति में जन्म लेने वाले इस असुर बालक को आप अपने गोद पर बिठाया। प्रभु कितनी बड़ी आपकी कृपा है। क्वाहं रजः प्रभव ईश तमोधिकेस्मिन् जातः सुरेतर कुले क्वतवानुकम्पा न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वै रमाया जन्मेर्पितः शिरसि पद्मकरः प्रसादः। भगवान नरहरि ने कहा कि बेटा प्रहलाद भद्र भद्रं ते प्रीतोहं ते सर्वोत्तम। वर मांग क्या चाहिए तुम्हें? देखो ब्रह्मादिक देवतागण सब खड़े हैं और सब डर रहे थे कहीं प्रहलाद ब्रह्मा का पद ना मांग ले। प्रेम से बोलो श्री राधे। ब्रह्मा जी कांपने लग गए कहीं ब्रह्मा का पद, भगवान तो आज इतने प्रसन्न है प्रहलाद पर, यदि ब्रह्मा का पद मांगे तो प्रभु देने को तैयार है। और इंद्र भी कांप रहे हैं कहीं प्रहलाद मेरा पद ना मांग ले, क्योंकि इंद्र का सिंहासन का नट बोल्ट ही ढीला रहता है हमेशा, वो सिंहासन तो हिलता ही रहता है। कोई भी तप करता है तो इंद्र डर जाता है, वो ये समझता है कि मेरे सिंहासन को प्राप्त करने के लिए कोई तपस्या कर रहा है। तो इंद्र को अपनी कुर्सी की पड़ी रहती है सिंहासन की। इंद्र डर गया कहीं प्रहलाद मेरा पद ना मांग ले इंद्र का पद। लेकिन प्रहलाद जी महाराज ने भगवान से क्या मांगा? प्रहलाद जी महाराज कहते हैं कि प्रभु आपको प्रसन्न करके कोई सांसारिक वस्तु मांगे तो मैं समझता हूं मैं उसको भक्त नहीं मानता, वो भक्त नहीं है, वो तो व्यापारी है। प्रेम से बोलो श्री राधे। वो व्यापारी है कि आपकी भक्ति करके वो बदले में सांसारिक वस्तु मांगता है, लौकिक वस्तु मांगता है जो क्षणभंगुर है। न सभृत्य सवय मणि। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं प्रभु मैं आपका निष्काम सेवक हूं और आप मेरे निरपेक्ष स्वामी हैं, क्योंकि आपको अपने भक्त से कुछ आशा नहीं रहती और आपका जो सच्चा भक्त होता है ना वो कोई भगवान से कुछ मांगता नहीं है। सच्चा भक्त तो वो है जो भगवान से भगवान को ही मांग लेता है। प्रेम से बोलो श्री राधे। इसलिए भगवान से भगवान को मांग लो ना। देखो हमारे बिहारी जी जल्दी से किसी बस में नहीं आते, हमेशा भगवान जो डरते रहते हैं भैया कोई अपने बस में हमको कर ले तो फिर हमको बंधना पड़ेगा। इसलिए भगवान कहते हैं भैया जो तू मांग रहा है सो हम तुम्हें देते हैं और यहां से चला जा। प्रेम से बोलो श्री राधे। यश कीर्ति पद प्रतिष्ठा मान सम्मान सुख समृद्धि संपत्ति मांग रहा है हम तुम्हें दे देते हैं, लेकिन अपने आप को नहीं देते। प्रेम से बोलो श्री राधे। लेकिन कई भक्त ऐसे होते हैं जो भगवान से भगवान पहले प्रलोभन दिखाते हैं, माया पहले माया दिखाते हैं कि ये ले लो ये ले लो, लेकिन सच्चा भक्त
वो तो जिद कर बैठता है कि हमको ये कुछ नहीं चाहिए, मुझे ब्रह्मा का भी पद नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग का आधिपत्य भी नहीं चाहिए। वांछन्ति यत् पादरजः प्रपन्ना, मुझे तो आपके चरणों का रज चाहिए प्रभु, मुझे आप मिल जाएं और मुझे क्या चाहिए। तो सच्चा भक्त भगवान से भगवान को मांग लेता है। अर्थन धर्मन काम रुचि गतिन चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आम। प्रहलाद जी ने कहा कि प्रभु यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे ये वरदान दीजिए। यदि राशि समे कामा वरांस्तं वरदर सभ कामानां हृदय संरोहं भवतस्तु प्रणेवरम्। प्रभु मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरे हृदय में कोई कामना ही ना उठे कुछ मांगने की। अब बताओ ऐसा कोई भक्त हो सकता है क्या जो भगवान से कुछ ना मांगे। प्रहलाद जी कहते हैं कि मेरे मन में कोई कामना ही ना उठे, क्योंकि कामना के कारण वासना के कारण ही पुनर्जन्म होता है। तो कामना के कारण ही जीव दर दर भटकता है, वासना तृष्णा में ही वो दुखी होता है। प्रहलाद जी कहते हैं कि प्रभु मेरे मन में कोई कामना ना उठे कुछ मांगने की। भगवान ने कहा बेटा तुम मेरे निष्काम भक्त हो, फिर भी मेरी प्रसन्नता के लिए देखो मैं तुम्हें एक मनवंतर के लिए दैत्यों का अधिपति बनाता हूं। एक मनवंतर के लिए समझ लीजिए एक मनवंतर कितना होता है। सतयुग त्रेता द्वापर कलिकाल ये चारों युग जब 71 बार से अधिक व्यतीत होता है तब एक मनवंतर होता है। कलिकाल का उम्र है 432,000 वर्ष, द्वापर युग का उम्र है 864,000 वर्ष, त्रेता युग का उम्र है 1,296,000 वर्ष और सतयुग का जो उम्र है वो 17,28,000 वर्ष है। तो ये चारों युग जब 71 बार से अधिक व्यतीत होता है तब एक मनवंतर होता है, तब तक कि तुम दैत्यों के अधिपति बनोगे, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा और तुम मेरे स्वरूप का दर्शन करते रहना, मेरा भजन करते रहना, भजन कभी छोड़ना नहीं। ब्रह्मा जी महाराज को भगवान ने डांट लगाई कि असुरों को ऐसा वर मत दिया करो, अहि नाम अमृतम यथा, इस प्रकार का दुर्लभ वरदान असुरों को देना सर्पों को दूध पिलाने के समान है। अरे सर्प को यदि दूध पिलाओगे तो जहर ही बढ़ेगा भैया। तो भगवान ने ब्रह्मा जी को डांट लगाई और फिर प्रहलाद जी की प्रार्थना पर प्रहलाद जी ने एक प्रार्थना करी थी कि प्रभु मेरे पिता आपसे द्रोह करते थे, वे नर्क को ना जाए। भगवान ने कहा कि बेटा प्रहलाद त्रिसप्तभी पिता पूतः पितृवी सहते नग, जिस कुल में तुम जैसा भक्त जन्म लिया है प्रहलाद, तो तूने सारे कुल को पवित्र कर दिया, निशाचर कुल को, और तुम्हारे पिता मेरे द्वारा मारा गया है, तो जो मेरे द्वारा जो मृत्यु को प्राप्त होता है कभी नर्क को नहीं जाता, वो मेरे परम धाम को जाता है, वो मेरे परम धाम को। बेटा प्रहलाद तुझ जैसा भक्त जहां रहता है उस स्थान को वह पवित्र तीर्थ बना देता है, पवित्र कर देता है। यत्र यत्र च मदभक्ताः प्रशान्ताः समदर्शिनः साधवः समुदाचारास्ते पूयत्कटाः। महाराज प्रहलाद जी ने प्रभु के श्री चरणों में ये वर मांगा कि प्रभु आपके चरणों में निरंतर मेरा प्रेम
भक्ति बनी रहे, सदैव मैं आपको याद करता रहूं। बोलिए श्री बिहारी जी महाराज की जय। श्री बिहारी जी महाराज की जय। तेरे चरण कमल में श्याम, लिपट जाऊं रज पर के। प्रहलाद जी प्रभु से क्या कह रहे हैं, आप लोग भी यही चाह रखना अपने हृदय में। तेरे चरण कमल
रखे तेरे चरण कमल में लिपट महाराज सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित कहीं प्रत्येक मनवंतर में प्रभु की जो जो अवतार होते हैं आप वर्णन करें। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित प्रथम मनवंतर स्वयंभू मनवंतर में प्रभु का यज्ञ पुरुष के रूप में अवतार हुआ। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की। स्वारोचिस मनवंतर में प्रभु विभु नाम से प्रकट हुए। उत्तम नाम के मनवंतर में प्रभु सत्यसेन नाम से पधारे और चौथा जो मनवंतर है जिनका नाम है तामस, इस मनवंतर में प्रभु हरिमेधा ऋषि की पत्नी हरिणी के गर्भ से हरि के रूप में अवतार ग्रहण किया। तत्राप जग्गे भगवान हरिण्याम हरिमेध सह। और इस अवतार में प्रभु छा करी हरि अवतार लिया। कृपा करके वर्णन करें। सुखदेव जी कहते हैं राजन आसीत गिरिवरो जात राजन त्रिकूट इति विश्वतः। एक त्रिकूट नाम का पर्वत था जिस त्रिकूट पर्वत में अनेकों हिंसक जानवर रहा करते थे इस वन में जंगल में। और फलों से पुष्पों से लदे हुए बड़ा सुशोभित भवन था और इसी वन में एक गजेंद्र रहा करता था हाथियों का सरदार। अपनी हथनियों के साथ बच्चों के साथ ये विचरण किया करता था। यह इतना शक्तिशाली था कि महाराज इस गजेंद्र के आते ही जितने भी शेर थे जंगल के सब भाग जाते थे। यद गंध मात्रात धर्यो गजेंद्रा। इस गजेंद्र को अपने बल का अपनी शक्ति का बड़ा अभिमान था। एक बार इसे जोरों की प्यास लगी परीक्षित और जल पीने के लिए एक सरोवर में प्रवेश किया तो देखो सबसे पहले तो अपनी प्यास बुझाई गजेंद्र ने, फिर अपने सूंड से जल ले ले करके अपनी पत्नियों के ऊपर अपने ऊपर छिड़कने लगा, जल क्रीड़ा करने लगे परिवार के साथ। महाराज सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित यह जो कथा है ना वो हम सब की है। प्रेम से बोलो श्री राधे। यह गजेंद्र कोई और नहीं है, ये हम जीव हैं। ये सरोवर कोई और नहीं, ये संसार है। संसार को सरोवर कहा गया। संसार रूपी सरोवर में यह जीव रूपी हाथी विषय भोग रूपी, देखो विषय भोग में डूबा हुआ है और इतना उन्मत्त है कि उसको काल रूपी ग्राह का ख्याल नहीं रहता। देखो ये काल तो हमेशा हमारे शीश पर नाचता रहता है भैया। ये मृत्यु जो है ना वो हमारी बहन है। जिस दिन हम मां के गर्भ से जन्म लिए उसी दिन मृत्यु का भी जन्म हुआ है। जातस्य हि ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। तो सारे साथी छोड़ देते हैं हमें, लेकिन ये मृत्यु जो हमारी बहन है ना वो कभी छोड़ती नहीं है। ये साथ लेकर के जाती है हमें। इसलिए काल को मृत्यु को कभी भूलना नहीं परीक्षित। दो बातन को भूल मत जो चाहे कल्याण। नारायण के मौत को दो जो श्री भगवान। भगवान को और काल को कभी बोलना नहीं, हमेशा याद करते रहो। मैं कहा करता हूं जो काल को मृत्यु को याद करता है ना भैया कि एक दिन मुझे मरना है, हमेशा जो अमृत्यु को हमेशा अपने पास दिखता है वो कभी भगवान को भूल नहीं सकता और वह व्यक्ति कभी पाप नहीं कर सकता। मृत्यु को याद करने वाला कभी पाप नहीं करता है। हम तो पाप इसलिए करते हैं क्योंकि हम मृत्यु को भूल जाते हैं, भगवान को भूल जाते हैं।
गजेंद्र जड़ क्रीड़ा कर रहा है, उसी सरोवर में एक पलवान ग्रह रहता था, गजेंद्र का पैर पकड़ लिया, खिंचने लगे हाथी के पैर। अब गजेंद्र को भी अपने बल का अभिमान का, ओहो ये मगर मुझे मेरा पैर खींच रहा है, शायद इसको मेरी शक्ति नहीं मालूम, मैं कितना बलवान हूं। उन्होंने अपने पैर को छुड़ाने का प्रयास किया, लेकिन गजेंद्र ग्राह ने छोड़ा नहीं महाराज गजेंद्र को, गजेंद्र का पैर। उनकी पत्नियां हथनियां बच्चे सब हाथी को ग्रास छुड़ाने का प्रयत्न किया, लेकिन सफलता नहीं मिली और अंत में सब छोड़ करके चले गए। पत्नियां भी हथनियां भी चली गई, बच्चे भी चले गए। देखो जब मृत्यु का समय आता है ना, जब विपरीत प्रतिकूल समय आता है तो सब परिवारी जन छोड़ देते हैं। इसलिए संसार के लोगों के भरोसे मत रहना भैया, संसार के लोगों से आसान न किया करना, जब कोई नहीं अपना तब श्री कृष्ण कहा करना। गजेंद्र की शक्ति क्षीण हो गई, उस गजेंद्र ने फिर अंत में भगवान की ओर देखा, मेरी जो रक्षक है ना वो मेरे बिहारी जी हैं, परिवार के लोग तो अंत समय मुझे छोड़कर चले गए, मेरी रक्षा नहीं कर पाए। स्वार्थ का ये संसार है, जब तक स्वार्थ की पूर्ति हो रही ना तब खूब सेवा हो रही है, अस्वार्थ सिद्ध नहीं होता महाराज। तो चार दिन दो चार महीने घर में बैठ करके देखो, पैसे ना दो घर में तब पता चल जाएगा कौन कितना प्यार करता है। प्रेम से बोलो श्री राधे। सब स्वार्थ का नाता है, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, माता कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे वीर मेरा, भाई कहे यह भुजा हमारी, तिरिया कहे नर मेरा, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, जगत में कैसा नाता रे। माता कहती ये मेरा पुत्र है, बहन कहती ये मेरा भाई है, और भाई कहता ये मेरी भुजा है, और पत्नी कहती है ये मेरा पति है। बताओ कितना कितने संबंध में ये बटा हुआ है जी, किसी का भाई है, किसी का पुत्र है, किसी का पति है, लेकिन सच्चा संबंध सच्चा नाता तो हमारा भगवान से है। परीक्षित ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमन सहज सुख राशि ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। लेकिन जीव भूल जाता है परमात्मा को और संसार से अपना नाता जोड़ लेता है, यही दुख का कारण है। जब तक जीवे माता रोवे, जब मृत्यु होती है ना तो जब तक जीती है माता तब रोती रहती है पुत्र के वियोग में। जब तक जीवे माता रोवे, बहन रोवे दस मासा, जब तक जीवे माता रोवे, बहन रोवे दस मासा, 13 दिन तक तिरिया रोवे, हंस अकेला जाता, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, जगत में कैसा नाता रे। धर्मान गो गच्छति एक। महाराज सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, उस गजेंद्र ने परमात्मा को याद किया, मेरे रक्षक प्रभु हैं, और उन्होंने
28 श्लोकों में प्रभु को याद किया है। ओम नमो भगवते तस्मै यत एत चिदात्मकम् पुरुषायादि बीजाय परेशाया विधीमहि। हे गोविंद, हे गोपाल, रक्षा करो, रक्षा करो। हे गोविंद, हे गोपाल, हे गजेंद्र की आर्तनाद प्रभु के कानों में सुनाई पड़ी। मेरे प्रभु द्वारकाधीश चल पड़े गजेंद्र की रक्षा के लिए। गरुड़ को भगवान ने कहा कि गरुड़ मुझे अपने पीठ पर बिठा कर ले चलो भैया, आज मेरा भक्त बहुत विपत्ति में फंसा हुआ है, मुझे उसकी रक्षा करनी है। तो देखो, कहते हैं गरुड़ को अभिमान हो गया, कहा देखो इस गजेंद्र ने कितनी बार भगवान की स्तुति की लेकिन एक बार भी मेरा नाम नहीं लिया, उस प्रभु को ले जाने वाला वाहन मैं हूं। गरुड़ ने अभिमान से कह दिया, कहा प्रभु मेरे पास फुर्सत नहीं है। प्रेम से बोलो श्री राजा। भगवान इतने आतुर होकर के दौड़े, हाँ कहते ही चले हैं और थी कहते ही उस सरोवर के किनारे मेरे बिहारी जी प्रकट हो गए हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान। जैसे ही प्रभु को देखा तब उस गजेंद्र ने अपने सूर से एक कमल पुष्प तोड़ करके भगवान के श्री चरणों में अर्पण किया है। सोंतः सरस्योरुपलेन गृहीत आरतो दृष्ट्वा गरुत्मति हरिंख उपात चक्रम उच्छिप्य साम्भुजकरम गिरमाह कृच्छान् नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। हे नारायण, हे अखिल गुरु, आपकी जय हो, जय हो कह करके गजेंद्र ने जब पुष्प अर्पण किया भगवान को, भगवान प्रसन्न हुए और तुरंत प्रभु ने हाथी के सूंड को पकड़ करके उसे जल से बाहर निकाला और प्रभु ने अपने चक्र सुदर्शन से ग्राह का मुख फाड़ दिया। ग्राहात विपाटित मुखा दरणा गजेंद्रम, और भगवान ने गजेंद्र का उद्धार कर लिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। महाराज सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, उस गजेंद्र की रक्षा भगवान ने करी और ग्राह को मुक्ति दे दी। देखो ग्राह जो है वो भगवत स्वरूप को प्राप्त करके भगवत धाम को चले गए। गजेंद्र ने भगवान से कहा कि प्रभु स्तुति मैंने की, आपको मैंने बुलाया, लेकिन आपने पहला उद्धार तो ग्राह का किया। मारा ये कैसा न्याय है आपका,
मुक्ति तो पहले मुझे मिलनी चाहिए थी, लेकिन मगर को आपने मुक्ति पहले दी, ऐसा क्यों? भगवान कहते हैं कि देखो भैया, तुम मेरे भक्त हो और भक्त का उद्धार तो होता ही है, मैं करता ही हूं, लेकिन सबसे पहले उद्धार मैं उसका करता हूं जो मेरे भक्त के चरण को पकड़ लेता है। तुम मेरे भक्त हो ना, तो तुम्हारे चरण को ग्राह ने पकड़ा था, इसलिए पहले उद्धार ग्राह का मैंने कर दिया। इसलिए मैं कहा करता हूं भैया, हम भगवान के दास नहीं बन सकते, तो दासों का दास बन जाए। जिन्होंने परमात्मा को प्राप्त किया है, भगवान की भक्ति करी है, भगवान से जो जुड़े हुए हैं, ऐसे भगवत कृपा पात्र महापुरुषों के चरण को यदि पकड़ लोगे ना, तो परमात्मा तक पहुंच जाओगे। इसीलिए तो वृत्तासुर ने स्तुति की थी, कल आप लोगों ने सुना था, अहम हरे तब पादेक मूल दासानु दासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेता सुपते गुणास्ते गृणीत वाक् कर्म करोतु कायः। भगवत दासान दास बन जाओ। गजेंद्रो भगवत इस प्रसाद मुक्तो ज्ञान बंधना। गजेंद्र भगवत स्वरूप को प्राप्त कर लिया और भगवत धाम को चले गए। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, यह जो मगर था ना, ये पूर्वजन्म में हुहू नाम के गंधर्व थे, देवल महात्मा के श्राप से मगर योनि को प्राप्त हुए थे, और इंद्रदुम नाम करके राजा थे ये हाथी पूर्वजन्म में। ये राजपाट छोड़ करके देखो, ये मलय पर्वत में जाकर के भगवान का भजन कर रहे थे। अगस्त जी महाराज आए, उठकर प्रणाम नहीं किया तो श्राप दे दिया, हाथी की तरह बैठा है, जाओ तुम हाथी योनि को प्राप्त हो जाओ। अपने से बड़ों को प्रणाम करना चाहिए, आदर सम्मान देना चाहिए। तो अगस्त जी का सम्मान नहीं किया, तो देखो इंद्रदुम्न राजा हाथी की योनि को प्राप्त हुए। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार से भगवान ने हरि अवतार धारण किया, फिर रैवत मनवंतर में भगवान वैकुंठ नाम से पधारे। बोलिए वैकुंठ भगवान की जय। छठवे मनु हुए चाक्षुष, इस मनवंतर में प्रभु का अजित अवतार हुआ, जिस अजित भगवान ने समुद्र बंधन का कार्य कराया, जिस समुद्र बंधन से 14 रत्न निकले, जिसमें अमृत भी निकला था, और भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत का पान करा दिया। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान का बड़ा ये दिव्य लीला है, समुद्र बंधन की लीला। यथा भगवता ब्रह्मण मदिता क्षीर सागर, परीक्षित के प्रश्न पूछने पर महाराज सुखदेव जी ने कहा कि राजन, तत्रापि देवः संभुत्यां वैराजस्यां भवसुतः अजितो नाम भगवान अंसेन जगतः पति। एक बार ध्यान से सुनना आप सभी, एक बार दुर्वासा जी महाराज वैकुंठ लोक गए प्रभु का दर्शन करने। भगवान नारायण ने अपने गले से माला निकाल करके दुर्वासा जी को पहना दी। दुर्वासा जी चले आ रहे थे, रास्ते में इरावत हाथी ने मिल गया इंद्र। इंद्र ने हाथी से नीचे उतर करके दुर्वासा जी को प्रणाम किया। दुर्वासा जी ने अपने गले से वो भगवत प्रसादी माला है निकाल करके इंद्र के गले में डाल दी। जैसे आप किसी संत महात्मा को आप प्रणाम करते तो आपके गले में जयमाल डाल देते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं, ऐसी दुर्वासा जी ने इंद्र को माला पहना दी। लेकिन इंद्र ने बड़ी गलती की, वह माला हाथी को पहना दी। अब हाथी क्या जाने, ये भगवत प्रसाद की माला है, महाराज अपने सूंड से उस माला को तोड़ दिया, पैरों से रौंद दिया। दुर्वासा जी को पता चला, दुर्वासा जी ने श्राप दिया कि अरे इंद्र,
तुमने भगवत प्रसाद जी का अपमान किया, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं, जा तुम श्रीहीन हो जाओ। इंद्र श्रीहीन हो गए। जैसे असुरों को पता चला तो देवताओं पर आक्रमण कर दिया। स्वर्ग में समस्त देवता वहां से भागे, सब पराजित हो गए। महाराज दुर्वासा जी के श्राप से श्रीहीन शक्तिहीन हो गए थे देवता। समस्त देवता गण ब्रह्मा जी के पास जाकर के प्रार्थना करते हैं, हे ब्रह्मदेव कृपा कीजिए, हमारे स्वर्ग पर असुरों का आधिपत्य हो गया है। तब ब्रह्मा जी महाराज ने कहा, भैया देखो, आपकी पहुंच हमारी तक है, अपना दुखड़ा आपने हमको सुना दिया, लेकिन हम अपनी दुखड़ा बिहारी जी को सुनाते हैं। प्रेम से बोलो श्री राम। श्री राम। देवताओं की जो पहुंच है ना, वो ब्रह्मा जी तक है, और ब्रह्मा जी का जो कांटेक्ट है वो सीधे भगवान से है। जब भी कोई दुख पीड़ा कोई विपत्ति आती है तो ब्रह्मा जी महाराज भगवान से जाकर के प्रार्थना करते हैं, भगवान नारायण की स्तुति करते हैं। अभित्रियम सत्यमनंतमाद्यम गुहाशयम निष्कलम प्रतर्त्यम। भगवान प्रकट हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। माथे में मुकुट, कानों में मकराकृत कुंडल, गले में वनमाला, हाथों में कंगन, कंधे में पीतांबर, चरणों में नूपुर, नीले कमल के पंखुड़ी की तरह विशाल नेत्र भगवान का श्यामल स्वरूप है। नील सरोरुह नील मणि नील नीर धन श्याम, लाज हितन शोभानि रखी कोटि कोटि सतका। भगवान शंख चक्रदा पद्म लेकर के प्रकट हुए देवताओं के सामने, और ब्रह्मादि देवताओं ने स्तुति की। भगवान ने कहा, क्या बात है हे ब्रह्मा जी शिव जी देवताओं, आप लोगों ने कैसी स्तुति की भाई? तो ब्रह्मा जी ने कहा, महाराज असुरों ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया महाराज, इसलिए असुरों के भय से देवता मारे मारे फिर रहे हैं। देवताओं के दुख को कष्ट को आप दूर करें, उन्हें शक्ति प्रदान करें कि फिर से वे असुरों को जीत ले। भगवान नारायण ने कहा कि देखो भाई, समुद्र मंथन करना पड़ेगा, और समुद्र मंथन से जो अमृत निकलेगा ना, 14 रत्न निकले थे, जिसमें से पहला जो रत्न है वो क्या है, कालकूट जहर, और अमृत भी निकलना था समुद्र मंथन से, तो अमृत को देवता लोग पान कर लेंगे तब ये अजर अमर हो जाएंगे, शक्ति आ जाएगी, बड़े बलवान हो जाएंगे, फिर असुर इसको पराजित नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये काम अकेले होने वाला नहीं है, इसके लिए आप लोगों को असुरों से संधि करनी पड़ेगी, मतलब मित्रता। तो कैसी मित्रता करनी? भगवान ने कहा, अरे योपी हि संधेया हसती कार्यार्थ गौरवे अहि मोषक वद देवा हरथस्य पदविंगतै। देखो भैया, कोई भी कार्य साधने के लिए कभी कभी शत्रुओं से भी मित्रता करनी पड़ती है। प्रेम से बोलो श्री राधे। कैसी मित्रता? कि भगवान ने यहाँ पर कोट नीति बताई है भागवत में, कहा अहि मोषक वद, जैसे सर्प और चूहे की मित्रता होती है। बताओ, सर्प और चूहा कभी मित्र हो सकते हैं क्या? लेकिन एक बार सर्प की बातों में चूहा आ गया, और देखो पिटारी के अंदर दोनों बंद थे देवयोग से, और चूहे से कहा कि मामा जी आप इस पिटारी में छिद्र कर दो और हम दोनों बाहर निकल जाएंगे। चूहे ने विश्वास कर लिया जी। चूहे ने तो पहले कहा कि आप तो मेरे शत्रु हो, मुझे खा जाओगे निकल करके। सर्प ने कहा कि यदि खाता तो पहले से ही खा जाता, और मैं तुम्हें खाऊंगा भी नहीं क्योंकि आज मेरा व्रत है। प्रेम से बोलो श्री राधे। सर्प ने कहा मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, देखो तुम्हारे तीखे दांत हैं तो पिटारी को छिद्र कर दो, फिर दोनों निकल जाएंगे। अब चूहा बिचारा